नाजीन तारीख और आज की दुनिया में खुश आमदीद आज के प्रोग्राम का मौजू है एंटी कलोनियज्म के नजरियात नाजीन पिछले प्रोग्राम में हमने कलोनीजम के उन नजरियात का तफसील जिक्र किया जिसके जरिए कलोनियलज ने मकबूजा मुल्कों के लोगों को कंट्रोल किया आज के इस प्रोग्राम में हम उन सियासी और समाजी नजरियात की क्रिटिक यानी तनकीद पेश करेंगे हमारे साथ शरीक गुफ्तु हैं डॉक्टर मुबारक अली आइए उनसे अपनी गुफ्तु का आगाज करते हैं जी डॉक्टर साहब क्या ये कहना दुरुस्त है कि कलोनीलम ने मकबूजा मुल्कों के लोगों को महजब बनाया अच्छा जैसा आपने जिक्र किया चूँकि हमने पिछले मरतबा जब कलोनील इजम के नज़रियात पर बात की थी तो हमने ये कहा था कि उन्होंने मुख्त तरीकों से इस बात को कहा कि कलोनीस के लोग जो हैं वो गैर महजब हैं पसमानदा हैं बिछड़े हुए लोग हैं लिहाजा हमारा मिशन उनको महजब बनाना है लेकिन जब आ, हुआ ये है कि जहाँ पर एक तरफ कलोनीज़म की आइडियोलॉजी थी वहाँ पर जब उसके खिलाफ मज़ाहमती तहरीकें शुरू हुईं इन मकबूजा मुल्कों के अंदर तो यहाँ के दानश्वरों ने यहाँ के मुफ़िरों ने और यहाँ के सोचने वालों ने फिर उस आइडियोलॉजी के खिलाफ लिखा और कोशिश ये की कि जो कॉलोनील आइडियोलॉजी है उसका रद जो है पेश करें और उसके ऊपर तनकीद करें अब मसल ये बात जो कही गई थी कि कानूनी के लोगों को उन्होंने महसव बनाया तो इसका कुछ लोगों ने तफसी जायजा लिया मसल हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि जरा आप हिंदुस्तान के आबादी को देखें और देखें कि कितने लोगों को महसव बनाया उनका कहना यह है कि इन्होंने उन्हीं को महसब बनाया जो पहले से महसब थे यानी ज़ात पात के लिहाज से आप देखें बिर तबका था कायस थे जो पढ़े लिखे थे और एक तरह से बाशूर भी थे महजब भी थे मुसलमानों के अंदर जो मुसलमान अशराफिया थी वो भी पढ़ी लिखी थी तो यही वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के आने के बाद जिन्होंने अंग्रेजी कल्चर या अंग्रेजी जबान को इख्तियार किया और उन एक लिहाज से उनके तान करने वालों में शामिल हो गए लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की अक्सरियत का ताल्लुक है हिंदुस्तान की अक्सरियत जो है वो तो एक तरह से कोई यानी महजब उस सेंस में नहीं बन सकी जिस सेंस के अंदर कि ये लोग कहते थे अच्छा हिंदुस्तान के अलावा जब हम अमेरिका ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के मुल्कों में देखते हैं कि वहाँ के, के मकामी लोगों का इन्होंने महजब बनाया तो यही बात वहाँ पर कही गई कि इन्होंने वहाँ भी महजब नहीं बनाया बल्कि एक तो उनको पहले गैर इंसान बना के उनका कत्लेम किया उनकी जमीनों पर कब्जा किया और उसके बाद आप देखें कि उनको रिजर्वर बना के और उनको वहाँ पर अब रख दिया है यानी खास खास एक तरह से पॉकेट्स हैं जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी जो मुकामी बाशिंदे रहते हैं इनको एक तरह से उन्होंने मैन स्टीम में भी शामिल नहीं किया है तो इस तरह से उनका ये कहना कि उन्होंने महजब बनाया है इसकी बड़ी सख्त मतलब की कड़ी इसके ऊपर तनकीद की है दानश्वरों ने की ये पूरा उनका जो उनकी फिक्र है और यह जो उनका जवाब था ये एक तरह से बिल्कुल गलत था जी डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा महजब बनाया उनको तो जिस तरह से उनको महजब बनाया यानी जिस तहजीब का जो तहजीब का मयार उन्होंने कायम किया वो तो इन कलोनलिस्ट की यानी अंग्रेजों की अपनी तहजीब थी जिसको मयार बनाकर उन्होंने दूसरी तहजीबों को जज किया हालांकि ये भी तो हो सकता है कि मसन अगर आप खाने पीने के आदाब में ले लीजिए तहजीब के नाम पर उन्होंने छुरी और कांटे से हमें आ, खाना खाना सिखाया और ये गोया बताया कि हाथ से खाना जो है वो बद तहजीबी की अमत है हालांकि अगर इवन साइंसी अतबार से भी देखा जाए तो छुरी से कांटे से खाना और हाथ से खाना कोई हाइजीन का उसमें यानी सफाई का उसमें अमल नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक कल्चरल पैटर्न है तो उन्होंने अपनी जो एक मकबूज़ा यानी अपनी जो उनकी काबजाना सोच थी उसके जेरे असर उन्होंने अपनी ही तहजीब के मयार को हिंदुस्तानी या दूसरे मकबूजा मुल्कों के ऊपर नाफज कर दिया अच्छा बड़ी अजीब बात हुई है क्योंकि आम तर ये मिला मकबूजा मुल्कों में या उनको दिया गया कि मगरबी तहसीब जो है बरतर है अफजल है उसमें ज़्यादा खूबियाँ हैं तो हुआ यह है कि हमारा जो तालीम याफ्तर तबका था उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता उस तहजीब को या उस कल्चर को इख्तियार करना शुरू कर दिया अब मस दिलचस्प बात यह है कि इब्तदा इसकी जैसे बंगाल से होती जी बंगाल में जो लोग अंग्रेजी दफ्तरों में काम करते थे बंगाली जब वो दफ्तर में जाते थे उस वक्त तो वो अंग्रेजी लिबास पहन के जाते थे सूट भी पहनते थे लेकिन जैसे ही वो घर वापस आते थे फ़ौर लिबास उतार के वो अपना मकामी लिबास जो है पहन लेते थे क्योंकि वो उनके लिए मतलब आरामदेह भी था जी अच्छा इसलिए इब्तदा के अंदर यहाँ पर बड़ी मजाहमत हुई कि अंग्रेजी तालीम नहीं हासिल करनी नहीं। चाहिए अंग्रेजी जबान भी नहीं सीखना चाहिए अंग्रेजी तौर तो तरीक़ भी इख्तीर नहीं करने चाहिए नहीं। इसकी मजाहमत हुई लेकिन एक छोटा सा तबका ऐसा था कि जिसके मफादा अंग्रेज़ों से मिल गए थे उन्होंने अंग्रेजी तहसीब को इख्तीयार कर लिया लेकिन हुआ यह है कि फिर इस तहजीब ने हमारे समाज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया यानी एक तरफ तो यूरोपी एजुकेट तालीम याफ्तर लोग थे जिन्होंने मगरबी तहसीब को इख्तियार कर दिया और दूसरी तरफ मतलब कि आम आदमी थे जो अपनी पुरानी रवायात के ऊपर रहे तो इसने एक, एक तरह से समाज को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया और यकजहती के रास्ते एक तरह से उन्होंने बंद कर दिए बिल्कुल डॉक्टर यही वही जो जो आपने कहा कि उस समाज को टुकड़े कर दिया और दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम कर दिया वो आज भी कायम है यहाँ पर एक अंग्रेजी तबका है जो सिर्फ जो है अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानता और फिर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मकामी जबानों के अंदर ही रुक कर रह गए हैं और इन दोनों तबकात के दरमियान कोई मेल जोल नहीं है कोई इलमी कोई रबता नहीं है और वो एक अलग अलग, अलग दुनियाएं बन गई अच्छा डॉक्टर साहब इसके साथ साथ इन इस तरह की मुस्तरक की एक और बहुत उनकी एक आर्गूमेंट ये थी कि हिंदुस्तान की तारीख सदियों से रुकी हुई है क्या दुरुस्त बात है अच्छा अब इसके ऊपर भी खास तौर से हिंदुस्तान के मर्रखीन ने मतलब कि काम किया है <coughs> मसल मोहम्मद हबीब साहब हैं जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तारीख़ के प्रोफेसर थे उन्होंने एक नज़रिया पेश किया जिसको वो कहते थे शहरी इनकलाब उनका कहना था कि ऐहद वस्ती के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनकलाबा आया कि यहाँ पर शहरों का स्ट्रक्चर जो है या ढांचा जो है बदल गया चूँकि जो, जो आ, मुस्लिम अशराफिया आई थी वो शहरों के अंदर आके आबाद हुए उसकी वजह से शहरों के अंदर सनत हरफत भी आई हुनरमंद भी यहाँ पर आके आबाद हुए और सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब तक निचली जात के लोगों को शहर में आने की इजाज़त नहीं थी वो शहर के बाहर रहा करते थे लेकिन अब उन्हें भी शहर में आने की इजाज़त दे दी गई तो हुआ यह है कि अब शहर में जो लोग रहते थे उनका ताल्लुक एक तो शहर से हो गया और इसी वजह से यहाँ पर जब मंगोलों ने हमला किया है तो हिंदुस्तान के इन शहरों ने उनकी हिफाजत की एक बात तो ये होगी दूसरी बात फिर इरफान हबीब साहब जो बड़े मशहूर मारक हैं उन्होंने अहद वस्ता में जो टेक्नोलॉजी के जरिए से समाज के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं उसके बारे में उन्होंने इशारा किया है मसलन उनका कहना है कि जैसे पशन व्हील जो आबपाशी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर या जराती पैदावार जो है वो किस तरह से बढ़ी है फिर उनका कहना था कि ये रुई धुनने के लिए जो नए मतलब के आलात आए चरखा की नई शक्ल यहाँ पर आई उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या कपड़े की सनत को बहुत ज़्यादा फ़रग दिया और यही वजह है कि हिंदुस्तान में सनत कपड़े की सनत अंग्रेज़ों जब आए हैं उस वक्त तक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी अच्छा उसका नतीजा हम ये देखते हैं वस्ती में एकदम जो यहाँ पर ज़ात पात का सिस्टम है ना वो सारा बदल जाता है इससे पहले ये जो आ, कारीगर थे या सनत हैं जो मुख्त पेशों से ताल्लुक रखते थे इनकी माशरे में कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं थी लेकिन अब चूँकि सनत ने तरक्की की हुकमरान तबका सरपरस्ती कर रहा है तो नतीजा ये हुआ है कि इनके पास बहुत पैसा आ गया मालदार हो गए तो अब ये लोग ब्रह्मणों को अपनी दुकानों में या अपने कारखानों में मुलाजिम रखने लगे कि जो उनका हिसाब किताब जो है वो रखते थे और इसका इजहार हमें उस वक्त जमाने के एक मरख के यहाँ मिलता है जाउद्दीन बर्नी जिनको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र हो गई कि ये यानी कमीने और कम ज्या के लोग जो हैं ये तरक्की करके कैसे आगे बढ़ गए हैं तो बहुत इस बात का वो अफसोस कर रहे हैं कि देखें पूरा मतलब कि समाज जो है वो बदल रहा है और ये लोग बाजत लोग हो रहे हैं तो ये तब्दीली आई है इस टेक्नोलॉजी की वजह से और फिर उन्होंने इस बात का भी इशारा किया कि यहाँ पर तुर्क अपने साथ तेरहवीं सदी के अंदर कागज लेके का आए कागज की सनत तो कागज की सनत ने तो इन के अंदर एक इनकलाब इन्हें पैदा कर दिया यानी अब किताबें भी यहाँ पर होने लगी किताबों की सनत हो गई यानी जिल बंदी भी होने लगी है किताबों पर नक्शो नगार और तस्वीरें जो हैं वो भी बनने लगी हैं तो किताबों की सनत भी में भी तरक्की हुई और साथ ही साथ इंतजामी मामलों के अंदर भी दस्तावेजा यानी रेवेन्यू के कागजात तैयार होने लगे हैं फरामीन जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने लगे हैं खत किताबत होने लगी है तो ये एक बड़ा इनकलाब था और तीसरी बात जो मौरखीन ने इशारा किया है वो ये है कि देखें शरशाह के जमाने में जब ये ग्रांड ट्रक रोड बनती है तो इसके बनने के बाद से गांव जो है जो कहा जाता था कि वो बिल्कुल यानी एक गांव का दूसरे गांव से ताल्लुक नहीं है वो सूरत नहीं रही है अब अब गांव के लोग जो हैं इस सड़क की वजह से अपने गांव से बाहर भी आने लगे हैं अपनी पैदावार को भी बाहर लाने लगे हैं तो वो गाँव की ज़िंदगी के अंदर भी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तब्दीली जो है वो आ जाती है तो ये जो एक नज़रिया था कि तारीख है ऐसा नहीं है फिर उन सारी तहरीकों की तरफ भी इशारा किया गया है कि जिन तहरीकों ने हिंदुस्तान के समाज में ख्याल तो अफकार को बदला, मसलन भक्ति मूवमेंट है <coughs> बड़ी ज़बरदस्त यानी जिसमें यानी दादू दयाल हैं और गुरु नानक हैं भगत कबीर हैं यानी इन लोगों ने जो हिंदुस्तान के खासतौर से देहाती आवाम के अंदर एक नया शौर बैदार किया है और ये भी आप देखें कि इनमें से अक्सरियत उन लोगों की थी जिनका ताल्लुक कम जात से था यानी भगत कबीर जुलाए थे तो ये एक तरह से उससे अंदाजा होता है कि किस तरीके से जात पात का सिस्टम जो है वो टूट रहा था तो इसलिए यह कहना कि तारीख जामित थी अब आजकल जो तारीख लिखी जा रही है लिखी गई है उसने इस नजरिए को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान इस पूरे दौर के अंदर ख्यालत तो अफकार की तब्दीली के अमल के अंदर रहा है टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर तरक्की ने तरक्की की है यहाँ समाज ने भी तरक्की की है जी बिल्कुल डॉक्टर साहब इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि इससे बरक्स जो अंग्रेजों ने यहाँ पर और अंग्रेज मुस्तशरक ने जो हिंदुस्तान के बारे में जिस तरह के नजरियात को आम किया उसके बरक्स जैसे आपने कहा कि मुगल जो ब्यूरोसी थी उसको आज के मौरखीन पेपर ब्यूरोसी के नाम से जानते हैं क्योंकि उसमें कागज का इस्तेमाल इतना ज्यादा था रेवन्यू रिकॉर्ड से लेकर तो हर तरह के अदालती फैसलों में और इसके साथ साथ एक और मिसाल मेरे जहन में आती है जो के मुगल मुशवरी के मतलब है मसन उन्नीसवें सदी में ये अंग्रेजों ने कहा कि ये मुगल मुशवरी जो एक मुसलमानों का सकाफती वरसा है ये पंद्रहवीं सदी से रुकी हुई है जब से ये परशिया से आई है तो ये मुगल मुशवरी रुकी हुई है इसमें उसी तरह की शबी हैं उसी तरह की उसमें वाकयात निगारी है उसमें कोई एवोलूशन नहीं हुआ उसमें कोई तब्दीली अमल वाक्य नहीं हुआ लेकिन आज के जो मौरखीन हैं, जो आर्टिस्टोरियन हैं वो इस बात को तफसील से बताते हैं कि किस तरह से सत्रहवीं सदी की जो मशवरी है वो पंद्रहवीं सदी की मसवरी से बिल्कुल फर्क है और इसके अंदर बतदरीज तब्दीलियाँ आई हैं और वो तब्दीलियाँ इस तरह से भी आई हैं कि जो यूरोपियन मुसवर जो अकबर के दौर में और बादशाह मुगल बादशाहों के दौर में दरबार में आते थे उनकी मसवरी को देख कर हिंदुस्तानी मुशवरी के अंदर भी तब्दीलियाँ आई तो गोया जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख कतन जामिद नहीं थी और वो दुनिया की बाकी तहजीबों की तरह दूसरी तहजीबों के साथ इंटरेक्शन से वो बदल रही थी लेकिन हमें एक गुलाम बनाने के लिए और हमें एक बताने के लिए कि हम शायद उस काबिल नहीं हैं कि हम यूरोपियन तहजीब का मुकाबला कर सकें इस तरह के नजरियात की तरवीज की गई अरे डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि इसी पैराई में कि हिंदुस्तान के लोग सुस्त और काहिल थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सका अच्छा ये भी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं जहाँ जहाँ यानी कॉलोनियल ताकतें गई हैं वहाँ उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है और उनके लिए शायद ये ज़रूरी था अपनी इकतदार के लिए अपनी ताकत के लिए लेकिन एक मशहूर मलया के लिखने वाले हैं अल्लास उनका नाम है उन्होंने पूरी किताब लिखी है दि लेजी नेटिव मैन कि ये जो पूरी एक मिल बनाई गई है वो क्या है उनकी दलील जो है वो ये है कि जब इन्होंने इस बात की कोशिश की कि मकामी लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें यानी अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करें या उनसे अपनी फैक्ट्रियों में काम कराएं या अपनी पसंद की फसलें उगवाएं, जब उन्होंने ये काम नहीं किए तो कहा कि ये तो मतलब के सुस्त और काहल लोग हैं अब होता यह कि सुस्ती और काहली का ताल्लुक होता है इस बात से कि इंसान जो मेहनत करता है उसका उसको सिला मिलता है या नहीं मिलता है अगर जैसे गुलाम जिस जमाने में काम करते थे जी। उनको चूंकि उसका सिला नहीं मिलता था नतीजा उसका ये था कि उनके जबर के साथ उनसे मेहनत और मजदूरी कराई जाती थी यानी लोग कोड़े लगाते थे और उनसे खेतों में काम कराते थे लेकिन अगर आ, उसको अपनी मेहनत का सिला मिलता है मिलेगा तो यकीनन उसकी दिलचस्पी होगी और वो काम भी करेगा तो कलोनील पीरियड के अंदर चूँकि ये जिस तरह से उनको से काम लेना चाहते थे या हमारे यहाँ भी लातीनी अमेरिका में भी और जैसे मलेशिया या फिलपीन के मुल्कों में भी तो वहाँ मकामी लोगों ने इसकी मजाहमत की है अच्छा ये चीज़ जो है आमतौर से दूसरी दलील जो मॉडल देते हैं वो कहते हैं कि ज़रा आप जो अंग्रेज़ अफसर यहाँ आए हैं उनका रहन सहन आप देख लें और आप देखें कि वो कितने मुलाज़मीन उनकी खिदमत के लिए होते थे अंदाजन पंद्रह या सोलह आदमी एक अफसर की खिदमत के लिए होते थे जिसमें साइज भी होता था बार्ची भी होता था कपड़े धोने वाला भी हुआ करता था जूते साफ करने वाला भी होता था जिसमें उसकी फैमिली के लिए आया भी होती थी बावरची भी हुआ करते थे तो पूरा एक यानी जम गफीर चूँकि तनख्वाहें उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा चार या पाँच रुपए माहाना तनख्वाह हुआ करती थी जो उनके लिए बहुत सस्ता था चूँकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत है और आसानी के साथ मुलाजिम मिल जाया करते थे तो इसलिए इन्होंने मतलब कि इस चीज़ को दोहराया कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वह सुस्त है हालांकि ऐसा नहीं था जब इन्हीं हिंदुस्तान के लोगों को इन्होंने इंटेंचर्ड लेबर के तौर के ऊपर जनूबी अफ्रीका भेजा जजायर करबुल हिंद भेजा तो हम देखते हैं कि वहाँ उन्होंने मेहनत की या ऑस्ट्रेलिया गए वहाँ उन्होंने मेहनत की और मेहनत से अपना मकाम जो है वो बनाया तो अगर मेहनत का सिला मिलता है तो यकीनन काम में दिलचस्पी होती है वरना नहीं होती नाज़ीन चलते हैं एक ब्रेक की तरफ जी नाजरी ब्रेक के बाद खुश आमदी अरे डॉक्टर साहब ये इसी पैराई में एक और बात भी बहुत मशहूर है कि हिंदुस्तान के हुकमरान मतगुलान थे यानी डिक्टेटर्स थे और वो किसी भी सतह पर किसी भी मशावरत के अमल पर यकीन नहीं रखते थे अच्छा ये चीज़ जो है आमतौर तो से देखने में कुछ ऐसा नज़र आता है कि हुक्मरान जो है उसके पास मतलब के सारी ताकत उसके पास होती है इख्तियार उसके पास होते हैं लेकिन जब आज जैसे मुग़ल तारीख के ऊपर जो काम हुआ है तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था अब मसल हिंदुस्तान मुगल हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी इसके दूर दूर तक इसके मतलब के सूबे थे तो एक तो ये था कि जो सूबाई गवर्नर हुआ करते थे उनको काफ़ी इख्तियार होते थे कि वहाँ रहते हुए अपने हालात के मुताबिक वो फैसले करें जरूरी नहीं था कि वो बादशाह से हर चीज़ के बारे में पूछें एक चीज़ जो थी वो ये थी कि गवर्नरों को इख्तीय था दूसरी बात जो है वो ये है कि खुद मुगल बादशाह जो हैं उनके अपने एडवाइजर्स होते थे यानी जो मुख्तलि मामलात के अंदर उनसे वो मशवरा दिया करता था तनहा अपने तनहा अपना काम नहीं किया करते थे कभी भी ये तो और इस, इसी वजह से इस, इस दौर में भी ऐसी बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिरर ऑफ या यानी अदब के नाम से जिसमें मतलब कि ये बताया गया है कि एक बादशाह को कैसे हुकूमत करनी चाहिए कौन से किन कि, किस तरह से मतलब कि उसको रियाय के साथ शुरू करना चाहिए तो मतलब को लनानी की जो बात है वो बिल्कुल ऐसा नहीं था चूँकि अंग्रेजों का मसला ये था या मगरबी लोग जहाँ आए उनका मसला ये था कि वो अपने पस मंजर में हर चीज़ को देखने देखते थे वो क्योंकि वहाँ पर फ्यूडलिज्म जो है बड़ा मजबूत था और फ्यूडल जो है बादशाह को चैलेंज करते रहते थे तो उनका ये ख्याल था कि इस तरह का फ्यूडलिज्म चूँकि हिंदुस्तान में नहीं है जो बादशाह को चैलेंज करे तो बादशाह जो है बिल्कुल खुद मुख्तार है लेकिन हमारे हाँ हम देखते हैं कि जितने भी मतलब के हुक्मरान रहे हैं वो मनतानियत उनके अंदर नहीं थी अपने एडवाइजर्स थे और खासतौर से जो उनके मनसबदार जैसे मुगलों के होते थे उनको खुद थे कि अपने फैसले करें अपने मामलों में जो भी उनके नस, उनके सामने आए उन हालात के मुताबिक उसका जायजा लेकर और अपना मतलब कि जो भी फैसला है वो दिया करें तो मतलब की बात भी अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि ये थ्योरी जो है इसको भी हमारे मर्रख रद कर दिया है जी बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर हम फर्ज कीजिए अकबर की मिसाल ले लें तो अकबर ने जो इस हिंदुस्तानी माशरे के अंदर एक सुलह का और रवादारी का और अमन का एक फिजा कायम करने के लिए उसने कितने मुख्तलि मकातब फिक्र कितने मुख्तलि मजाहब कितने लोगों को दरबार में जमा किया उनसे गुफ्तू की उनकी पेट्रिनेज की इसी तरह अठारहवीं सदी में हैदर अली की और टीपू सुल्तान की मिसाल ले लीजिए वो कितने एक रोशन ख्याल हुक्मरान थे और उन्होंने किस तरह से अपने आ, अपनी सल्तनत को बढ़ाया भी दिया लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद का बहुत ख्याल किया यानी उस तरह से मुतिल अनानियत के जैसे कि आज हम समझते हैं कि डिक्टेटर के जिसको अपने सिवा किसी की परवाह नहीं गालिबन उस तरह की सुरत नहीं थी अच्छा इसमें हुआ यह है कि ये जो अंग्रेजों के ज़माने के ये जो हुकुमरान रहे जैसे आपने टीपू सुल्तान का नाम लिया सराजोला का नाम लिया या खुद बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह थे इनकी जो तस्वीरकशी की गई है वो यही है कि भाई ये लोग मतलब याज थे कुछ काम नहीं करते नहीं। थे और राया के कोई ख्याल नहीं करते थे हालांकि तारीख में जब देखा जाता है तो बिल्कुल ऐसा नहीं था यानी टीपू सुल्तान तो बहुत ज़्यादा यानी तक पसंद हुक्मरान था और बहुत रोशन ख्याल था अच्छा यही सूरत सराजुद्दौला की थी आप देखें सराजुद्दौला अठा यानी सत्रह सौ सत्तावन में ही पलासी की जंग से पहले अंग्रेजों को शकस दे चुका है और अंग्रेज़ जो हैं शिकस खा के भाग चुके हैं ये बात के अंदर महज साजिश के जरिए से इन्होंने प्लासी की जंग के अंदर कामयाबी हासिल की अब यह है कि उन्होंने उसका जो किरदार पेश किया है वो बहुत ही यानी एक तरह से उसकी किरदार कशी जो है कुशी जो है वो की गई है और यही बात बहादुर शाह जफर के बारे में है लेकिन अब जो नई चीज़ है कि बहादुर शाह जफर बहुत अच्छा शायर था बहुत अच्छा खत्ता था बहुत अच्छा इसलह के बारे में वो मतलब कि जानता था और बड़ा मतलब कि राय के साथ उसका बड़ा असर प्रस्ताना मतलब कि सलूक था अब उसके बाद इख्तियार रहे थे वो एक अलग बात है तो जहाँ तक ये चीज़ है कि ये मतलब कुलान थे और रैय की फिक्र नहीं थी बिल्कुल हम तारीख के अंदर देखते हैं कि ऐसा नहीं था यानी तो जैसे आपने कहा सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करते थे मुश्तरक कल्चर को फैलाने में इन्होंने मतलब कि कोशिश की और जहाँ तक हो सका इन्होंने लो आबादिया के इतदार के खिलाफ भी जद्दोजहद की अगरचे वो उसमें कामयाब नहीं हुए और इसी नाकामी की वजह से आज तारीख के अंदर उनको बदनाम किया जा रहा है डॉक्टर साहब अभी इसी गुफ्तु के पस मंजर में एक और दावा जो अंग्रेजों ने किया वो ये था कि उन्हीं के दौर में यानी कलोनील पीरियड में हिंदुस्तान में माशी और समाजी और टेक्नोलॉजी यानी सनती तरक्की हुई जो कि उससे पहले कभी नहीं हुई थी और वो जो इस बारे में आप क्या आपके अच्छा ये कि इस बारे में जैसा आपको मालूम होगा एक तो पाम रजनी दत्त की मशहूर किताब है इंडिया टुडे उसने बताया है कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ से यानी लूट खसूट के ज़रिए से किस कदर दौलत जो है ये लेकर गए हैं और दूसरी किताब दादा भाई नोरेजो की किताब है उसमें उन्होंने बताया है वो भी बड़े अहम है हालांकि उस वक्त तक ये इतना नहीं था ब्रैंड ड्रेन कि किस तरीके के कि यहाँ का एक तालीम याफ़्ता तबका जो है आहिस्ता आहस्ता मतलब कि या तो इंग्लैंड जा रहा है और या इनकी हुकूमतों में शमूलियत करके अपने ही मुल्क के लोगों को ग़ुम बना रहा है ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं और बहुत से मौरखी ने बल्कि अब तो ख़ुद अंग्रेज़ मौरखीन ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो कि इंग्लैंड के सनती इनकलाब के अंदर ये वही दौलत थी जो हिंदुस्तान से लूट के ले 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 जाई गई थी ए, पूरा उन्होंने हिसाब लगाया बताया कि हर साल कितना पैसा जाता था यहाँ के लोगों की इनकी तनख्वाहें की मद में कितना जाता था तजारत के मुनाफे के अंदर मतलब कितना जाया करता था अच्छा उसका नतीजा ये हुआ है कि हिंदुस्तान में फिर हिंदुस्तान की सनतें जो हैं वो आहिस्ता आता ख़त्म होती चली गईं मसलन मतलब हिंदुस्तान की कपड़े की सन्नत जो एक ज़माने में बहुत उमदा थी और यहाँ तक था कि अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है तो यहाँ पर उसका मकसद था कि यहाँ पर कॉटन के बने हुए कपड़े जो हैं उनको ले जाए जाए चूँकि इंग्लैंड में तो वो ऊन के बने हुए कपड़े पहनते थे जो ज़ाहिर जिल के लिए भी अच्छे नहीं थे और उसके अंदर जुएं भी हो जाया करती थी लेकिन हुआ ये है कि बाईस उनके यहाँ संद इनकलाब आया टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके यहाँ शुरू हुई अब उन्होंने हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ही इसको कहते हैं कि कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी ताकि यहाँ से माल न जाए पहला काम तो उन्होंने ये किया ताकि इनको कमज़ोर किया जाए दूसरा काम उन्होंने फिर ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की इन सनतों को एक तरह से बंद करना शुरू किया ताकि उनका जो माल है वो यहाँ पर आए नतीजा उसका यह हुआ है कि इसके साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने इस बात की भी कोशिश की कि कुछ इलाकों में कपास की काश जो है कुछ इलाकों में हो ताकि खाम माल के हैसियत में कपास को वहाँ पर ले जाया जाए और वहाँ से वो बाल तैयार कपड़ा तैयार करके वापस फिर यहाँ पर लाया जाए नतीजा उसका ये हुआ है कि हिंदुस्तान जो है सनती लिहाज से पसमानदा हो गया इसकी वजह से आगे सन, सनती लिहाज से कोई उसने तरक्की उसने नहीं की ये सिर्फ खाम माल पैदा करने का एक जरिया बन गया जो खाम पैदा करके उनको दे देता था उसका नतीजा ये हुआ है कि उसका सारा फायदा जो है वो मतलब कि कलोनियल पावर्स को हुआ है हिंदुस्तान के लोगों को नहीं हुआ है तो माशी ऐसे से हिंदुस्तान आहिस्ता आहिस्ता मतलब के गरीब होता चला गया है क्योंकि उसके क्या की यानी जो मेहनत का ज़्यादा हिस्सा जो है वो ये ताकतें जो हैं वापस इंग्लिस्तान जो है वो ले जाया करती हैं जी डॉक्टर साहब आपने हिंदुस्तान की सनती पसमानदगी का जिक्र किया मेरे ख्याल में पंजाब उसकी एक बहुत अहम मिसाल है कि पंजाब के अंदर यानी किसी भी तौर पर टेक्नोलॉजी की जो यानी टेक्निकल एजुकेशन थी उसका फरोग नहीं किया पंजाब के अंदर किसी भी किस्म की सनत नहीं लगाई गई <coughs> और जैसे आपने कहा कि खाम माल के लिए यहाँ पर जरात को फरोग दिया गया और ये जो रेलवे लाइनों का यहाँ जो जाल बिछाया गया उसके पीछे भी उन्हीं के उस खाम माल की ट्रांसपोर्ट और उनको यानी मंडियों से लेकर शहरों तक और शहरों से लेकर उनको बैरून मुल्क पहुँचाना मकसूद था और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो रेलवे का जो यहाँ जाल बिछाया गया जिस पर आज भी हमारे पास मुफकरन जो हैं, वो फख्र करते हैं और कहते हैं कि देखिए अंग्रेजों ने हमें ये तोहफा दिया और उससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था वो ये भूल जाते हैं कि इन जिस यानी जिस सूद के ऊपर जहाँ से ये जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे रेलवे का निजाम बिछाया गया उसका सूद तो यानी क्या आप यूँ कहने कि उन्नीस सौ चालीस तक पंजाब जो है वो अदा करता रहा क्योंकि जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी इन रेलवे नेटवर्क के ऊपर वो यूरोप से आ रही थी और उन्होंने सूद के ऊपर चालीस पचास साल के अरसे में ये सारा जो रेलवे का निजाम उन्होंने कायम किया उसका मुनाफा भी उन्होंने खाया और उसके जरिए जो सामान ट्रांसपोर्ट हुआ उसका भी मुनाफा उनके पास आया तो हमें तो उन्होंने एक महज एक इस्तेमाल किया और लेकिन हम और जो पीछे रह गया यानी उस पर हम फख्र करते हैं कि देखिए अंग्रेज़ हमारे लिए कितनी हमसे कितनी मोहब्बत करते थे और हमारे साथ कितने मुखलिस थे अच्छा डॉक्टर साहब इसी से ही एक सवाल एक व्यवस्था ये है कि क्या अंग्रेजी दौर में हिंदुस्तान एक जदीद दौर में दाखिल हुआ अच्छा एक तो जैसा आपने पहले किया बड़ी दिलचस्प बात ये इसलिए है क्योंकि हमारे मौरखी ने खासतौर से पाकिस्तान के मौरखीन ने एंटी कदोनियलिज्म के बारे में कोई तहकीक जो है वो नहीं किए हिंदुस्तान में तो बहुत काम हुआ है जी। उन्होंने तो बताया कि किस तरीके से तिब के अंदर मतलब कि हम पसमानदा हुए और ये एलोपैथिक का पूरा सिस्टम जो है ला के आयुर्वेदिकप जो है उसको मतलब कि खत्म किया गया है ज़रात के अंदर क्या हुआ है तालीम में क्या हुआ है औरतों के साथ क्या हुआ है यानी एक पूरा मतलब कि एक सिलसिला जो है ए, उन्होंने एंटी कलोनीलिज्म के सिलसिले के अंदर शुरू किया है और बहुत उमदा तहकीकी काम किया है चूँकि हमारा यहाँ ये काम नहीं हुआ लिहाजा हम मतलब कि हमारे जहन के अंदर वही अंग्रेजी दौर और अंग्रेजी अहद राज की बरकतें हाँ बरकतें <laughs> जो अंग्रेजी ज़माने में पढ़ाई जाती हाँ, थी वही हमारे मतलब के सामने हैं अच्छा तो एक तो मतलब कि जाहिर है कि जब तक हम कोई इसके ऊपर तहकीक नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई हम आ, आ, यानी हमारी सोच जो है वाजे नहीं होगी अच्छा दूसरी बात आपने जो कही वो ये है कि ये भी मतलब कि अंग्रेज़ों का मतलब कि कहना है अंग्रेजी मरखों का कि देखा जाए वो तकसीम कर देते हैं ना कि हिंदुस्तान जो है कदीम अहद में था फिर उसके बाद वस्ता आया और जदीदीत जो आई है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में आई है यानी जदीद अहद में जो दाखिल हुआ है जिसको हम कहें मॉडर्नाइजेशन वो अंग्रेज़ों के ज़माने में मतलब कि हुआ है लेकिन इसको भी अब कुछ अंग्रेज हिंदुस्तानी मरकों में हमने तो नहीं उन्होंने इसको भी चैलेंज किया है उनका कहना यह है कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान की तारीख को देखें तो कहते हैं क्या जरूरी है कि हम यूरोपियन अवाम की आमद से ये कहें कि हिंदुस्तान जो है जदी तहद में दाखिल हुआ यानी यहाँ जो पर्चोगीज़ आए या उस पर्चोगीज के बाद फ्रांसीसी आए अंग्रेज आए डच आए तो वो कहते हैं ये तो ताजरों की हैसियत से आए थे और इन्होंने शुरू के अंदर कोई नए जदीद ख्याल और अफकार भी लेकर नहीं आए थे इनका तो पूरा मकसद सिर्फ तजारत से था इसलिए अब नई तहकीक में वो ये भी कहते हैं कि क्यों ना हम हिंदुस्तान के जदीद को शाहजहाँ से शुरू करें जी वो कहते हैं शाहजहाँ काहद जो है वो मतलब कि मुगल पीरियड का एक सुनहरी दौर है और उस जमाने में जो तब्दीलियाँ आ रही थी वो तब्दीलियाँ हमारे सामने हैं कितना हिंदुस्तान तरक्की कर रहा था ज़रात के अंदर भी और ये जरात की सरप्लस वैल्यू है तिजारत की भी कि जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं बनी वन ये इमारतें नहीं बनने पाती और ये इमारतें जो हैं जो बनाई गई उस उसद के अंदर और ताजमहल की हम बात करते हैं तो ये कोई पसमानदा मुल्क जो है वो तो ऐसी नहीं। इमारत नहीं बना सकता है क्योंकि ये इमारत सिर्फ खाली यानी म्यामार का काम नहीं है इसके अंदर खतात भी हैं इसके अंदर हुनरमंद भी हैं इसके अंदर दस्तकार भी हैं ये सारे लोगों की एक तखलीकी सलाहियतों का नतीजा है तो मेरा ख्याल है कि ये तखलीकी साहितें हमें उस वक्त के इमारतों के अंदर पूरी तरीके से नजर आती हैं मस लाहौर की हम शाही मस्जिद अगर देख लें तो कौन कह ये हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोई ऐसे समाज के अंदर बनी है कि जहाँ पर कोई डिग्री याफ्ता इंजीनियर नहीं थे या आर्किटेक्ट नहीं थे तो इससे अंदाजा होता है कि यहाँ पर जहाँ पर एक तरफ मजहबी उलूम पढ़ाए जा रहे थे वहाँ पर ये लिबरल और सेकुलर ओलूम का भी यानी जो रिवाज था वो भी कम नहीं था नहीं। और हिंदुस्तान के माशरे में जो तखलीकी और कुवतें हैं वो हमें मतलब कि आर्किटे में भी नज़र आर्किटेक्चर में भी नज़र आती हैं अदब में भी नज़र आती हैं मुशिरे में भी नज़र आती हैं और मतलब के आर्ट में भी नज़र आती हैं ज़िंदगी के दूसरे शोबा में हमें नज़र आती हैं तो इसलिए ये जो ख्याल है कि जदीदियत आई जदीयत नहीं आई या आप कह सकते हैं कि एक तरह से यूरोपियन कल्चर जो है या यूरोपनाइजेशन जो है वो जरूर अंग्रेज अपने साथ लेके आए हैं लेकिन जहाँ तक जिद्दत का ताल्लुक है मसलन तिजारत के अंदर अब इस बात पे इशारा किया गया है कि सूरत के अंदर उस वक्त जो शिप बिल्डिंग थी जहाज बनाए जाते थे वो इंग्लिस्तान से ज़्यादा बेहतर बनाए जाते थे और एक अंग्रेज़ फैक्टर ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखा इंग्लैंड में कि अगर हमने इनका मुकाबला नहीं किया तो हम बहुत जल्द पीछे रह जाएंगे तो ये था कि यहाँ पर ये जो मार्जिनलाइज इलाके थे यानी सेंटर को छोड़ के वहाँ पर तजारत बड़ी तरक्की कर रही थी तजारती फर्म्स जो हैं वो बहुत आगे बढ़ रही थी तो एक लिहाज से जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा थी इसलिए ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर यहाँ पर अंग्रेजी तसलुत नहीं होता तो क्या हिंदुस्तान सरमाएदारी निजाम की तरफ जा रहा था या नहीं जा रहा था ये एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर हिंदुस्तान के मरखीन ने बड़ा बड़ी बह, बड़ा बहस मुबासा किया है और गालिबन हमजालवी साहब का नुकता नजर तो यही है कि हिंदुस्तान जो है वो एक सरमाएदारी की स्टेज में दाखिल हो रहा था बिल्कुल यह है उनका दूसरा हमजा अलवी साहब का ये भी है कि ये जो हिंदुस्तान की लूटी हुई दौलत थी इसी की वजह से वहाँ पर सनती इंकलाब आया है मतलब कि एक अहम वजह जो है सनती इंकलाब की वो दौलत का सरमाए का जमा होना है जो यहाँ कॉलोनी से गया था डॉक्टर साहब गालिबन लुत्फुल्ला की आबीती आप जिसका आपने तर्जमा किया था वो गालिबन यही जो सफरनामा है लुत्फुल्ला का जिसमें वो ये बताता है कि जो उस सतववीं सदी का जो इंग्लिस्तान था और सतरवीं सदी का हिंदुस्तान जो था उसमें ऐसा ही मालूम होता है कि जब वो हिंदुस्तान से निकला और इंग्लिस्तान पहुंचा तो उसे लगा कि वो किसी गैर तरक्की याफ्ता मुल्क में आ गया है अच्छा बड़ी दिलचस्प बात है ये दो तीन सफरनामे लिखे गए पहला सफरनामा तो एक ने लिखा था यूसुफ कंबल पोश का आ, बहुत ही यानी वो है और जैसा आपने कहा लुफफुल्ला जो है ये खुद भी गया वहाँ पर तो इन्होंने तौर से वहाँ पर जो आयरलैंड का नक्शा खींचा है तो आयरलैंड के बारे में तो वो कहते हैं कि यहाँ के किसान जो हैं वो जो झोपड़ियों के अंदर रहते हैं बहुत गुर्बत की हालत में हैं और यही बात उसने मतलब कि इंग्लैंड का जो देहात है देहात का जो नक्शा खींचा है तो उसमें और हिंदुस्तान के देहातों में कोई फ़र्क नहीं था मसला सिर्फ ये था कि देखें जो लूटी हुई दौलत थी ना वहाँ भी अशराफिया या जो उनके और या उनके हुक्मरान जो हैं उनके इस्तेमाल में आ रही थी उनके तो महदाद भी बन रहे थे और उनकी तो यादगारें भी बन रही थी लेकिन आम आदमी को उसका कोई नहीं मिल रहा था तो ये मेरा ख्याल से सफरनामे एक लिहाज से बड़े अहम हैं और उससे हमें ये भी अंदाजा होता है कि जहाँ ये कह रहे थे कि हम दूसरे लोगों को महजब बनाने निकले हैं खुद अपने नहीं। माशरे के अंदर उनके लोग जो हैं वो महजब जो हैं वो नहीं थे मसलन कोई विक्टोरिया के जमाने में यानी आप सोचें जो लंदन शहर का हाल है वो ये है कि इतनी बदबू होती थी शहर के अंदर कि जब पार्लियामेंट का इजलास होता था शाम को तो वो खिड़कियाँ बंद कर देते थे कि बदबू जो है वो पार्लियामेंट के यानी अंदर जो है अंदर तक ना आए वो तो आम आदमी जो है गुरबत की हालत में थे फुटपाथों के ऊपर ऐसी मतलब कि फिरते थे यतीम खाने बहुत थे गदागरी बहुत थी तो ये ये उस जमाने में जबकि कलोनियल पीरियड अपनी अपने उरूज पर था उस वक्त खुद उनके माशरे के अंदर और यही हाल जो है जहाँ पर वह यानी या 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 एक तरफ तो हमारे ये कहते हैं ना बहुत ऐतराज करते हैं कि हिंदुस्तान के माशरे में औरत का कोई मुकाम नहीं है जी चूँकि यहाँ पर सती भी होती थी औरतों को जलाया भी जाता था औरतों का वाकई कोई हम भी तस्लीम करते हैं लेकिन खुद उनके अपने माशरे में भी औरतों का कोई मुकाम नहीं था उनके अपने माशरे में भी औरतें जो है एक तरह से मिल के समझी जाया करती थी तो नतीजा ये है कि अगर आप गौर से देखें तो जिस बरतरी का वो दावा करते हैं खुद उनके अपने माशेरे के अंदर तबकाती तकसीम की वजह से हमें ये इखिलाफ जो है वो नजर आता है पूरी तरह से जी डॉक्टर साहब सवाल तो भी और भी हैं लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है आपकी तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया जी नाजीन आज के हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपनी आरा के लिए हमारा ई मेल एड्रेस नोट फ्रम मालें तारीख वीकली एट जी मेल डॉट कॉम आपकी दिलचस्पी का बहुत शुक्रिया